एक व्यक्ति कबीर के पास गए और बोले, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में दो बातें आती है, एक यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं या संन्यास धारण करूं, इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा ये बताइए आप। कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी है, जो भी करना हो वह सोच समझ कर करो और वह उच्च कोटि का हो। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का करना चाहिए? उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे? कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। वह व्यक्ति रोज उत्तर की प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा। एक दिन कबीर दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे, खुली जगह में प्रकाश काफी था। कबीर साहेब ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के जला कर लाई और उसके पास रख दिया। दीपक जलता रहा, वह सूत बुनता रहा। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ पर गया, जहां काफी ऊंचाई पर एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बना कर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज दी, महाराज आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़े बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतर कर नीचे आए। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यह जानने के लिए नीचे बुलाया है? साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा, बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया, उससे पूछा, आप यहां पर कितने दिन से निवास करते हैं? उसने बताया, 40 वर्ष से। फिर जब वह कुटी में पहुंचे तो तीसरी बार फिर उन्हें इसी प्रकार बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए। तीसरी बार उत्तर देकर वह ऊपर जाने लगा, तब चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वह बहुत अधिक थक गया था, फिर भी उसे क्रोध तनिक भी ना था। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटा तो साथी ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह दोनों घटनाएं उपस्थित है। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसा जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना सहजता से माने, कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की मेरी आज्ञा अनुचित नहीं मालूम पड़ी, उसने व्यर्थ कृतक नहीं किया। और साधु बनना हो तो ऐसा बनना चाहिए कि कोई कितना ही परेशान करे, क्रोध व शोक ना हो, हम सहज कहलाएंगे। धन्यवाद।